हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में यदि आप वट सावित्री व्रत गर्भावस्था में व्रत रख रहे हैं तो रखें यह फांड बातें हमेशा ध्यान में। इसे जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं। वैसे तो गर्भावस्था में व्रत उपवास करना महिलाओं और गर्भस्थ शिशु दोनों की सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आप व्रत कर ही रहे हैं तो कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। जानिए जरूरी सावधानियां। नंबर एक, व्रत शुरू करने से पहले थोड़ा भारी खाना खाएं ताकि वह धीरे धीरे पचे और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देता रहे। नंबर दो, व्रत के पहले और व्रत के दौरान भी तरल पदार्थों का भरपूर सेवन करते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन न हो। नंबर तीन, अगर आप गर्भावस्था के शुरुआती दौर में हैं तो सावधानी पूर्वक उपवास कर सकते हैं, लेकिन अंतिम तीन माह में व्रत करना खतरनाक हो सकता है। व्रत के दौरान फल तरह पदार्थ और पौष्टिक आहार कुछ घंटों के अंतराल में लेते रहें ताकि कमजोरी और थकान महसूस न हो। नंबर चार, अगर आप शुगर या हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि व्रत करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जो शिशु के लिए हानिकारक है। नंबर पाँच, अचानक तेज चक्कर आने अधिक उल्टी होने या गर्भस्थ शिशु की हलचल अचानक बढ़ने पर बिना देर किए अपने डॉक्टर के पास जाकर जाँच कराएं।